हम चर्चा भी करेंगे आगे। तो आगे नए पैनल के साथ जुड़ेंगे आपसे, लेकिन जनादेश का सफर जारी है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। राहुल गांधी इस वक्त कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए रुख करते हैं कांग्रेस हेडक्वार्टर का। बीजेपी एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया, और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी, और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी, और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था, और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने दो तीन चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया, और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होके लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है, प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। ये जो हमारा तो संविधान बचाओ के नारे के साथ कांग्रेस चुनावों में उतरी, और ऐसे में इंडिया गठबंधन की सोच को क्या, किस सोच के साथ आगे बढ़े और काम किया, इस बात को सामने रखते हुए राहुल गांधी का और कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त किया। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ ही हम इस कार्यक्रम के इस सफर में अभी के लिए बस